मणिपुर में महिलाओं के साथ हुई हैवानियत के बाद पूरे देश में गुस्से की लहर है। मणिपुर में पुरुषों के एक समूह को दो महिलाओं के सड़क पर बिना कपड़ों के घुमाने का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। इस वीडियो पर आम जनता से लेकर नेता अभिनेता तक ने अपराधियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की है। इस कड़ी में अब एक नाम पूर्व भारतीय दिग्गज स्पिनर हरभजन सिंह का भी जुड़ गया है। हरभजन सिंह ने ट्वीट करते हुए इस घटना के आरोपियों को सजाए मौत देने की मांग उठाई है। अपने ट्वीट में दिग्गज भारतीय खिलाड़ी लिखते हैं कि अगर मैं कहता हूं कि मैं गुस्से में हूं, तो ये एक अंडर एस्टिमेटेड है। मैं गुस्से में सुन हो गया हूं। मणिपुर में जो कुछ हुआ उसके बाद आज मैं शर्मिंदा हूं। अगर इस जघन्य अपराध के अपराधियों को कानून के कटघरे में नहीं लिया जाता है और मौत की सजा नहीं दी जाती है, तो हमें खुद को इंसान कहना बंद कर देना चाहिए। ये मुझे बीमार करता है कि ऐसा हुआ है। अब बहुत हो गया, सरकार को कार्रवाई करनी चाहिए। बता दें कि इस घटना के मुख्य आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। थोबल जिले के नागपोक सेकमाई पुलिस स्टेशन में अज्ञात लोगों के खिलाफ कई गंभीर आरोप लगने के चलते केस दर्ज कर लिया गया है। वहीं इस घटना से पूरे देश में गुस्से का माहौल है और हर कोई इस मामले में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से जवाब और कार्यवाही की मांग कर रहा है। अब ये देखना बेहद दिलचस्प होगा कि इस पूरे घटना पर क्या एक्शन लिया जाता है और क्या उन दोनों महिलाओं को इंसाफ मिल पाएगा। इस खबर में फिलहाल इतना ही। बाकी की तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ।